नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्राच्या लॉकडाऊन यात्रामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी अक्षय मंकणी. कालपासून राज्यातली हॉटेलही उघडण्यात आलेली आहेत, परंतु हॉटेल व्यावसायिकांना जी नियमावली सरकारने आखून दिलेली आहे ती पाळण्यामध्ये खरं तर कोणती अडचण निर्माण होते आणि नक्की ह्या सगळ्या लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागलेला आहे आणि ही सगळी जी नियमावली जाहीर करण्यात आलेली आहे ती खरं तर लोकांकडनं, हॉटेलमध्ये येणाऱ्या लोकांकडनं आणि व्यावसायिकांकडनं पूर्ण होते की नाही याची तपासणी कोण करणार हे सगळे प्रश्न आहेत. आज आपण लॉकडाऊन यात्रेच्या दरम्यान हॉटेल व्यावसायिकांशी या सगळ्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत आणि त्यांची मतं जाणून घेणार आहोत. मेरा नाम जाहिद अली है. मैं जायका रेस्टोरेंट दादर नियर स्टेशन में रेस्टोरेंट है और होटल व्यवसाय में हम लोग 4 जनरेशन से है और होटल का बिजनेस अभी तो व्यवसाय कुछ भी नहीं है. तकलीफ तो कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तो तकलीफ ही है. स्टाफ का तकलीफ, बिजनेस एकदम डाउन हो गया है, हर जगह से तकलीफ है. अभी होटल तो चालू हो गए, होटल चालू हो गए लेकिन उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम है. गवर्नमेंट तो बता देती है कायदा लेकिन उसको प्रैक्टिकल तो हम लोगों को करना है. वो प्रैक्टिकल होने के लिए वक्त लगेगा, उसमें पब्लिक भी सहयोग देना चाहिए. मतलब अभी हम पब्लिक को बोलेंगे यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठो. अभी हमको कितना अलाउ किया है, 50% यानी मेरे पास 50 का सिटिंग है तो 25% बैठेंगे. अभी लोगों को, अभी किसी की फैमिली आती है साथ में बैठती है, एक साथ में 10 लोग आते हैं. फिलहाल तो अभी है नहीं, ये दिक्कत सब होगी. अभी तो कल से ये लगा है लेकिन ये सब चीज़ें को इम्प्लीमेंट होने को टाइम लगेगा. लोग सुनना चाहिए, लोग कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं. तो आते हैं आपके पास रेस्टोरेंट में लोग? रेस्टोरेंट में लोग कहाँ, अभी तो बहुत कम हो गए ना. कल से तो अलाउ किया वरना टेक अवे था. तो अभी आए क्या कोई रेस्टोरेंट? अभी कल से इतना आ रहे हैं लेकिन कितने ज़्यादा क्राउड नहीं है. वरना दादा साहब फाल्के रोड जो रोड पे हमारा लोकेटेड है नियर स्टेशन, वहाँ पर पैर रखने को पहले जगह नहीं होती थी लेकिन आज 6 महीने से ऐसा हो गया जब से कोविड है. डिस्टेंस में बैठना, वही मैंने आपको बताया ना, ग्रुप में आते हैं, फैमिली रेस्टोरेंट है, ग्रुप में बैठना, फैमिली एक साथ में आना, उनको डिस्टेंस में बिठाना, ये सारी दिक्कत है. वो तो रखा है हमने सैनिटाइज करना, वो तो सब लोग करते हैं. सरकार को यही कहना है कि बहुत इंडस्ट्री पीछे चली गई है, सहयोग कीजिए. अभी 6 महीने से सब बंद है. लोगों की जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और भी जो हमारे जो होटल्स लाइन में है, बार्स है, फीस वगैरह है, उसमें कुछ तो करना चाहिए. सरकार को बदलाव होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत पीछे चली गई है. इंडस्ट्री, स्टाफ का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है जब से चालू है. स्टाफ मिलता नहीं है, स्टाफ चले गया जब से लॉकडाउन हो गया है. हम लोगों ने तो स्टाफ को भी रख के 2-2 महीना सैलरी दिया है पहले स्टार्टिंग में. होटल तो चालू हो गया तो आपको तकलीफ क्या है? होटल स्टार्ट हो गया है लेकिन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, बिजनेस को वापस से उस तरीके पे आने को काफ़ी स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल है वो सब चीज़ों में. इतनी ईजिली नहीं हो जाएगा. और जो भी सरकार ने जो गाइड लिया वो गाइडलाइन दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब चीज़ों का साथ चाहिए, पब्लिक का भी साथ चाहिए, उनका सहयोग चाहिए.